सगे बाप और सौतेली माँ ने अपनी बेटी अश्विन का 5 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया। कहने लगे, बेटी इसके साथ कुछ दिन ही तो बिताने हैं, जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत भागाना। निकाह हुआ। अश्विन अपने शौहर के साथ ससुराल पहुँचे। जैसे ही रात हुई तो उसका शौहर अश्विन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जानता कि मुझ में ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से मेरी 2 बीवियां मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास वो सब कुछ है जिसे पाने की हसरत हर लड़की की होती है। अश्विन उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन साथ ही साथ मन ही मन उसका सारा माल हड़पने का प्लान भी बना रही थी। अगले दिन अश्विन की नजरें बार बार बस टाइम पर ही रुकी हुई थी कि कब मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अश्विन ने मोबाइल निकाला और अपने अब्बू को कॉल किया। अब्बू, मुझे पता चल गया है जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं, बस अब टाइम बताइए यहाँ से कब निकलना है। बाबा ने अश्विन से कहा, मैं रात को 1 बजे बाइक पर तुम्हारे घर के सामने मिलूंगा, जैसे ही मौका मिले तुरंत बाहर आ जाना। जैसे ही आधी रात गुजरी, अश्विन ने देखा कि उसका शौहर अब सो चुका है। वो धीरे से उठी और जल्दी जल्दी पैसे और जेवरात इकट्ठे किया और तुरंत घर से बाहर निकल आई। बाहर उसके बाबा पहले से ही इंतजार में खड़े थे। जल्दी से बाइक पर बैठी और सूरज निकलने से पहले ही शहर छोड़कर भाग गए। इधर जब उसके शौहर की सुबह आंख खुली तो वो देखता है कि अश्विन घर से गायब है। वो शोर मचाने लगा, लेकिन अब कर भी क्या सकता था, अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, पुलिस में कंप्लेन की। अश्विन के घर पहुँचे, लेकिन वहाँ से वो लोग रातों रात ही जा चुके थे। अश्विन सब कुछ लूट कर ले गई थी। अब उन्होंने दूसरे शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। अश्विन का बाप बहुत खुश था। शाबाश बेटी, इस शादी में हमको पूरे 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है। अश्विन ने नए कपड़े खरीदे, सौतेली माँ ने भी अपने लिए गहने खरीदे और बाप ने नई बाइक खरीदी। पूरा परिवार खुश था। अश्विन की 2 सौतेली बहनें भी थी, वह भी इसी तरह से जाली शादियां करके लोगों का माल हड़प कर रातों रात गायब हो जाया करती थी। कहने का मतलब यह है कि पूरा परिवार ही इस फ्रॉड गर्दी के घिनौने जुर्म में बराबर का शामिल था। अश्विन 10वीं क्लास पास थी और बाकी उसकी दोनों सौतेली बहन बस 5वीं क्लास की पास थी। कुछ दिन गुजारने के बाद उनके घर फिर एक रिश्ता आया। 50 साल का बूढ़ा था जो शादी करना चाहता था। उसको लड़कियां दिखाई गई, लेकिन उसने पसंद अश्विन को किया। वो बूढ़ा शख्स बहुत अमीर था, उसके पास बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, हर तरह की महंगी का सामान था। अश्विन का सौदा 5 लाख रुपए में तय कर दिया गया। निकाह हुआ, वह उस बूढ़ा शख्स के साथ चली गयी। वो बूढ़ा शराब बहुत पीता था, जिसके कारण वह किसी न किसी बीमारी से हर वक्त घिरा रहता था। रात को वो बूढ़ा आदमी अश्विन का हाथ पकड़ा और बोला, तुम कितनी प्यारी हो, कौन कम वक्त सोचता था कि तुम मेरे नसीब में होगी। यह बंगला, यह गाड़ी, यह पैसा, आज से सब तुम्हारा है। इधर अश्विन उसको मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पा रही थी। कुछ दिन उसके साथ ही रही और फिर अदालत में तलाक का केस दर्ज कर दिया। वो बूढ़ा शख्स अश्विन की तरफ देखते हुए बोला, सर, हम अपने प्रियजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जिसका हम अनजान लोगों से भी नहीं करते, जरा सोचिए। अश्विन ने जज के सामने कहा, जज साहब, यह मुझे रोजाना शराब पी कर मारता है, मुझे नहीं रहना अब इसके साथ। अश्विन की बातें सुनकर और उस बूढ़े शख्स की शराब पीने की मेडिकल रिपोर्ट देखकर जज ने दोनों की तलाक को मंजूरी दे दी और इस तरह से वहां से भी अश्विन अच्छा खासा पैसा लूट कर ले गई। अश्विन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी, न जाने वह कितनी जिंदगियों को धोखा दे चुकी थी।
यश्मीन और उसका परिवार अपने शहर से कहीं दूसरे शहरों में जाते और किराए का घर ले लेते और मजबूर जरूरतमंद लोगों के जज्बात के साथ खेलकर कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक रिश्ता करवाने वाला बिचौलिया एक वरुण नाम के लड़के का रिश्ता लेकर उनके घर आया, जिसकी पहली बीवी इस दुनिया से चल बसी थी। बस उसके पास अब एक छोटी सी बेटी थी। लड़के के घर वाले लड़की देखने आए तो उन्हें भी उन तीनों में से यश्मीन ही पसंद आई। रिश्ता करवाने वाला बिचौलिया ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि लड़की का बाप इस रिश्ते के लिए 5 लाख रुपए मांग रहा है। यश्मीन का माँ बाप का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, शादी दहेज का खर्च नहीं उठा सकते, जो पैसे आपसे ले रहे हैं उसे ही निकाह की रश्म अदा करेंगे। वरुण के माँ बाप ने लड़की वालों की मजबूरी समझकर यह रिश्ता पक्का कर लिया और 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दिए। 10 दिन बाद निकाह हुआ और बाकी के बचे हुए 2.5 लाख रुपए भी दे दिए। वरुण का निकाह जिस लड़की से हो रहा था वो वही धोखेबाज यश्मीन थी। रात का वक्त हुआ, यश्मीन दुल्हन के वेश में सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन वरुण को तो जैसे यश्मीन से कोई मतलब ही ना था। वह तो बस अपनी बेटी को गोद में बैठा कर खाना खिला रहा था। वरुण ने बेटी का माथा चुमा और बोला, मेरी बच्ची आज मैं बहुत थक गया हूँ। इधर यश्मीन भी यह सब मन लगाकर देख रही थी और वरुण की बच्ची को भी महसूस कर रही थी। फिर यश्मीन ने आगे बढ़कर परीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे गोद में उठा लिया। यश्मीन के दिल में आज पहली बार किसी के लिए इतना प्यार जगा था। जैसे ही परीक्षा को यश्मीन ने गोद में उठाया तो परीक्षा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यश्मीन की गोद में जाते ही परीक्षा चुप हो गई। उसको लगा कि जैसे उसकी खोई हुई माँ वापस आ गई हो, लेकिन उस बेचारी मासूम को क्या पता कि वो उसकी माँ की शुरुआत में एक फ्रॉड औरत है। परीक्षा कुछ ही पलों में यश्मीन की गोद में सर रख कर सो गई। वरुण बहुत खुश हुआ और यश्मीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्लाह करे बेटी को आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। वरुण ने यश्मीन का हाथ थामा और मोहब्बत भरे अल्फाजों से कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा, वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी थी। वो मन की मोहब्बत चाहती है, प्लीज एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। यश्मीन परीक्षा के खूबसूरत मासूम चेहरे की तरफ देखती है। ना जाने कब परीक्षा उसे अपनी बेटी की तरह महसूस होने लगी। इसी तरह रात गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई परीक्षा रोने लगी। यश्मीन जल्दी से उठी और परीक्षा को अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी। परीक्षा भी यश्मीनी के साथ खेलने लगी। इधर वरुण भी बहुत हैरान था कि इतनी जल्दी यश्मीन के साथ परीक्षा कैसे घुल मिल गई। सब बहुत खुश थे। वरुण भी अब यह सब देखकर धीरे धीरे बीवी के गम से बाहर निकलने लगा। परीक्षा को भी माँ का प्यार मिल गया। अब परीक्षा यश्मीन के हाथ से ही दूध पीती थी और उसी के साथ सोती थी। यश्मीन भी अब पूरे परिवार की लाडली बहू बन गई थी और यश्मीन भी बहुत खुश थी क्योंकि उस बेचारी ने ऐसा लाड प्यार कभी नहीं देखा था। कुछ दिन बाद यश्मीन के बाबा का फोन आया और उसने बोले, बेटी क्या तैयारियां है, क्या कुछ हाथ लगा, जल्दी से वहाँ से भागने की तैयारियाँ करो। तुम्हें पता है और जगह से शादी का ऑफर आ रहे हैं, पूरे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। यश्मीन यह सुनकर खामोश हो गई। वह तो अंदर से बुझ सी गई थी। वह फोन बंद कर दिया। इधर उसका बाप भी बहुत परेशान था कि यश्मीन ऐसा क्यों किया। शाम का वक्त था। वरुण ने परीक्षा को कंधे पर बैठाया हुआ था। यश्मीन भी उनके पास आकर बैठ गई। वरुण ने यश्मीन की आंखों में देखा और कहा, यश्मीन परेशान हो क्या, सब कुछ ठीक तो है ना? यश्मीन ने वरुण का हाथ पकड़ लिया और बोली, वरुण मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? वरुण मुस्कुराने लगा और बोला, ये क्या बात हुई, भला मैं तुमको खुद से जुदा क्यों करूँगा,
तुम मेरे परीक्षा की जीने की वजह हो। यास्मीन ने परीक्षा को अपने सीने से लगा लिया। वो अब परीक्षा की मोहब्बत और परिवार की तरफ से दी जाने वाली इज्जत में यास्मीन पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। अगली सुबह परीक्षा की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने परीक्षा को इंजेक्शन लगाया। परीक्षा के साथ यास्मीन भी रोने लगी। मेरी बेटी को दर्द हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यास्मीन ने परीक्षा को सारी रात अपने सीने पर लेटा कर रखा। वरुण बहुत खुश था। आखिर खुश भी क्यों ना हो, यास्मीन परीक्षा से सगी माँ की तरह मोहब्बत जो करती थी। वरुण यास्मीन की हर ख्याल रखता था, लेकिन इधर यास्मीन का बाप यास्मीन को अब धमकियां देने लगा। यास्मीन, तुमको कह रहा हूँ, अब वहाँ से भागो। यास्मीन रोते हुए कहने लगी, बाबा बस करो, अब मुझे जीने दो। मुझे अब दौलत पैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं भागना। बाबा वरुण बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा अब मैं यही रहना चाहती हूँ। लेकिन यास्मीन की बातों का उसके बाबा पर कोई असर ना हुआ और वह यास्मीन को धमकी देते हुए बोला, देख यास्मीन, अगर तू यहाँ ना आई ना तो मैं वहाँ जाकर तेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिर वो लोग तुम्हें धक्का मार मार के वहाँ से निकाल देंगे। यास्मीन खुदा का वास्ता देने लगी, बाबा ऐसा ना करना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। इतने में परीक्षा मामा कहते हुए यास्मीन के पास आ गई। यास्मीन ने परीक्षा को जल्दी से गोद में उठा लिया। क्या हुआ मेरी सहजादी को, बहुत भूख लगी है? इतना कहकर यास्मीन उसे दूध पिलाने लगी और फिर वरुण की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गुनाह किया हूँ, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। मुझे वरुण और अपनी बेटी परीक्षा से जुदा ना करना, मैं मर जाऊंगी। इसी तरह शादी को एक साल हो गया था। वरुण यास्मीन के लिए आज सोने की अंगूठी लेकर आया था और यास्मीन से मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी पहली बीवी के जाने के बाद मैं जीना छोड़ दिया था, लेकिन यास्मीन तुम्हारे आने से मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। यास्मीन भी बहुत खुश थी। शुक्रिया वरुण, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। पुलिस के जवान दरवाजा खटखटाने लगे। वरुण के माँ बाप सब लोग जग गए। दरवाजा खुला, पुलिस वाला चिल्लाने लगा, तलाशी लो घर की, यही छुपी हुई है, उसे ढूंढ निकालो। वरुण के माँ बाप ने पुलिस वालों से पूछा, आखिर हुआ क्या है? इतने में एक लेडी कांस्टेबल यास्मीन को बालों से पकड़ कर ले आई। अब इस घर को लुटने की तैयारी थी। सामने यास्मीन का बाप भी खड़ा था। यास्मीन रोने लगी। पुलिस वालों ने यास्मीन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सब हैरान थे। यास्मीन खामोशी से सर झुका के खड़ी थी। वरुण ने यास्मीन से पूछा, क्या यह सच है, तुम एक फ्रॉड औरत हो? यास्मीन रोते हुए कहने लगी, वरुण मेरी बात तो सुनो। वरुण ने चिल्ला कर कहा, हाँ या ना, मेरी जवाब दो। यास्मीन ने वरुण की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी वरुण ने चिल्ला कर कहने लगा, ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से दूर। इधर परीक्षा भी इतना शोर शराबा सुनकर नींद से जाग गई। रोते हुए माँ कहते हुए कमरे से बाहर आ गई। यास्मीन का दिल फट सा गया। मेरी जान, मेरी बच्ची। सबके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, लेकिन मैं अब जीना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ, अपने शौहर के साथ। वरुण गुस्से से बोला, मेरी बेटी का नाम ना लो अपनी गंदी जुबान से। वरुण ने परीक्षा को यास्मीन के पास जाने से रोक लिया। यास्मीन चीख चीख कर रोने लगी। मुझे यूं सजा ना दो, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। वरुण अल्लाह के वास्ते मुझे इन लोगों के हवाले ना करो।
लेकिन उस बेचारे की फरियाद किसी ने ना सुनी। पुलिस हथकड़ी लगा के यशमीन और उसके बाप को लेकर चली गई। परीक्षा रो रही थी, वरुण की आंखों में भी आंसू थे। यशमीन बेबसी में वरुण की तरफ देख रही थी। वह अब समझ चुकी थी कि अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ चुका है। उसने बहुत से लोगों के दिल तोड़े हुए हैं। वह अब खुद को कोस रही थी और अल्लाह से माफी भी मांग रही थी। परीक्षा को भी माँ की याद आने लगी। परीक्षा यशमीन के सीने पर लेटे बिना नहीं सो रही थी। 4 दिन गुजर चुके थे। परीक्षा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ना सोती थी ना कुछ खाती थी, कमजोर भी बहुत हो गई थी। हार थक कर आखिर वरुण के घर वालों ने वरुण से बात की कि किसी भी तरह यशमीन को ले आओ, वरना ये बच्ची मर जाएगी। परीक्षा की हालात बिगड़ती जा रही थी। वरुण किसी भी हाल में परीक्षा को नहीं खोना चाहता था। आखिर बेटी के हाथों मजबूर होकर वरुण भी राजी हो गया। थाने जाकर पुलिस वालों से बात की, एक वकील खड़ा किया। यशमीन और उसके माँ बाप अब जेल जा चुके थे। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि वरुण इतना सब कुछ जानते हुए भी अब भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है, तो उन्होंने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हमने अपनी बेटी से यह सब जबरदस्ती करवाया था, इसमें हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं था। अब वह भी शर्मिंदा थे, अल्लाह से रो रो कर माफी मांग रहे थे। 2 दिन में ही वरुण ने वकील के साथ मिलकर यशमीन को छुड़वा लिया और उसे घर ले आया। यशमीन दौड़ती हुई आई और परीक्षा को गले लगाकर चूमने लगी। मेरी जान, मेरी बच्ची। वरुण की तरफ देखते हुए नजरें झुका ली। वरुण का दिल भी अब साफ हो चुका था। वरुण ने यशमीन को अपने करीब किया और मुस्कुरा कर कहने लगा, अब हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? यशमीन झुकी और वरुण के कदमों में बैठ गई। आंखों में आंसू थे और कांपती आवाज में कहने लगी, मर जाऊंगी आपके बिना। वरुण ने हाथ थामकर यशमीन को खड़ा किया और प्यार से देखने लगा। और इस तरह से एक धोखेबाज फ्रॉड लड़की एक इज्जत की जिंदगी जीने लगी।